शनिवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबेडकर वादी जागरण मंच चंद्रशेखर के नेतृत्व में कार्यकर्ता एकत्रित हुए और दलित पिछड़ों और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आज पूरे देश भर में जातीय द्वेष वश अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर अनवरत अन्याय और अत्याचार हो रहा है। प्राण घातक हमला करना, पुलिस थाने में पुलिस कर्मियों द्वारा उनके ऊपर गोली चलाया जाना और जेसीबी द्वारा पूरा मकान गिराए जाने जैसी घटनाएं देश भर में आम बात हो चुकी है और प्रशासन इस पर रोक लगाने और न्याय करने में विफल हो चुकी है, जिसके कारण अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा तथा कमजोर वर्ग के संपूर्ण समाज में असंतोष व्याप्त हो चुका है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अम्बेडकर वादी जागरण मंच चंद्रशेखर ने कहा, देखिए अम्बेडकरवादी जागरण मंच के तत्वावधान में आज ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसमें आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है इस देश में, पूरे देश में जगह जगह अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है, गोली मारी जा रही है। एक पूर्वांचल में एकमात्र अम्बेडकर शिक्षा निकेतन है गोरखपुर में, प्रसारतपुर में, वहाँ पर 1978 से वह स्थापित है, लेकिन किसी सरकार ने उसको गिराने का काम नहीं किया। योगी सरकार ने कल 31 तारीख को जेसीबी मशीन लगा करके अम्बेडकर शिक्षा निकेतन का आधा हिस्सा गिरवा दिया है। आप ये समझ सकते हैं कि सपा बसपा के सरकार में, किसी के भी सरकार में अनुसूचित जातियों के ऊपर इतना अत्याचार नहीं हुआ था जितना अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हो रहा है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जगह जगह मूर्तियां तोड़ी जा रही थी अभी तक, लेकिन बाबा साहब से संबंधित जितने स्कूल कॉलेज हैं उसको भी नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और 31 तारीख को बसारतपुर में अम्बेडकर शिक्षा निकेतन का भवन जो गिराया गया और जीडीए ने बिना सूचना के उसको गिराया, हम उसका विरोध करते हैं और मांग करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से तत्काल उस भवन को पुरानी स्थिति में बना करके दे ताकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो सके उसमें।